अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, पेज नंबर 55 पे आज हमने करनी है रीडिंग। कल हमने पढ़ा था सॉइल की लेयर्स के बारे में, सॉइल में कितनी लेयर्स होती हैं। आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। द टॉप सॉइल इज़ वेयर मोस्ट एनिमल्स एंड प्लांट्स इंक्लूडिंग सॉइल ऑर्गेनिजम्स सच एज अर्थवर्म्स, फंजाई एंड बैक्टीरिया लीव। टॉप सॉइल, ये वाली जो लेयर होती है ये टॉप सॉइल है। टॉप सॉइल ऐसी लेयर है सॉइल की, मिट्टी की ऐसी तह है, ऐसी लेयर है जहाँ पे बहुत सारे जानवर और पौधे जिनमें सॉइल ऑर्गेनिज्म यानी मिट्टी में रहने वाले जानदार भी शामिल हैं, जैसे अर्थवर्म, फंजाई और बैक्टीरिया, ये सारे रहते हैं टॉप सॉइल में। तो सॉइल की जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है वहाँ रहते हैं। द टॉप सॉइल कंटेन्स ह्यूमस, टॉप सॉइल में ह्यूमस होता है। ह्यूमस कहते हैं जो गला सड़ा मवाद होता है, ये टॉप सॉइल में होता है। ऑल रॉक्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ गेट ब्रोकन डाउन टू पिबल्स, जितनी भी पत्थर हैं, जितने भी ज़मीन की सतह पे, वो टूट कर छोटे छोटे पीसीस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिन्हें कहते हैं पिबल्स। पिबल्स बेसिकली कहते हैं संग्रेजा जो होता है, यानी छोटे गोल पत्थर जो होते हैं उनको कहते हैं पिबल्स। ये मीनिंग्स आप लोगों ने साथ साथ राइट करते जाना है। छोटे गोल पत्थर जो होते हैं इनको पिबल्स कहते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं पिबल्स में और ग्रेवल में। ग्रेवल कहते हैं रोड़ी को, रोड़ी, जो बहुत ही छोटे पत्थर होते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं ग्रेवल में, रोड़ी में। उसके बाद मर्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। मर्ड मतलब कीचड़, मर्ड कीचड़, यानी जब उनके साथ पानी और मिट्टी मिलती है तो वो पत्थर मिलते हैं तो वो मड में कन्वर्ट हो जाते हैं, कीचड़ बना देते हैं। वाटर एंड विंड ब्रिंग अबाउट दिस चेंज, पानी और हवा मिलकर ये तब्दीली लाते हैं, यानी पानी और हवा मिलकर ये चेंज लाते हैं, तब्दीली लाते हैं। द सब सॉइल इज वेयर मोस्ट ऑफ द सॉइल्स न्यूट्रिएंट्स आर फाउंड, सब सॉइल ऐसी लेयर है सॉइल की जहाँ पे बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, ऐसी लेयर है जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इट कंटेन्स लेस ह्यूमस एंड मिनरल्स, इसमें ह्यूमस और मिनरल्स मादनियात, मिनरल्स कहते हैं मादनियात को, तो इस लेयर में मिनरल्स और ह्यूमस जो है वो कम होता है, जैसे आयरन, आयरन इसमें कम होता है, ह्यूमस भी कम होता है इस लेयर में। डीप प्लांट रूट्स लुक फॉर वाटर इन द सब सॉइल, जो गहरी प्लांट की जड़ें होती हैं उनको पानी चाहिए होता है, वो बहुत नीचे तक ज़मीन में, बहुत नीचे तक गई होती हैं प्लांट्स की जड़ें पानी के लिए। सब सॉइल में प्लांट्स की जो जड़ें होती हैं वो बहुत गहरी होती हैं, बहुत नीचे तक गई होती हैं पानी के लिए, क्योंकि उनको पानी चाहिए होता है, तो ये सब सॉइल में होती हैं। इन फास्ट फ्लोइंग रिवर्स, बहुत ज़्यादा तेज़ी से बहने वाले जो दरिया होते हैं उनमें, बहुत तेज़ी से बहने वाले दरियाओं में, रॉक्स ग्राइंड अगेंस्ट ईच अदर एंड ब्रेक इंटू स्मॉलर पीसीस, पत्थर जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिक्सअप होते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो छोटे छोटे पीसीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वक्त के साथ साथ द पीसीज बिकम स्मॉलर, ये टुकड़े पत्थरों के छोटे होते जाते हैं, एंड टर्न इंटू सैंड, और बदल जाते हैं किसमें, रेत में, बदल जाते हैं रेत में, मर्ड कीचड़ में, एंड सॉइल और मिट्टी में। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है, टाइम के साथ साथ ये पीसी छोटे छोटे टुकड़े जो हैं वो कन्वर्ट होके रेत में बदल जाते हैं, कीचड़ में बदल जाते हैं, या मिट्टी में बदल जाते हैं। द रिवर्स कैरी दिस सॉइल, दरिया जो हैं वो इस मिट्टी को ले जाते हैं, कार्ल सेडिमेंट, जिसे कहते हैं सेडिमेंट। सेडिमेंट क्या है, सेडिमेंट कहते हैं गार को, डीप का मतलब गहरी और सेडिमेंट कहते हैं गार को। ये दरिया इस मिट्टी को फिर अपने साथ बहा कर ले जाते हैं, ये जो मिट्टी है ये बन जाती है फिर सेडिमेंट, सेडिमेंट कहते हैं गार को, विद डैम अपने साथ, ये दरिया अपने साथ इस मिट्टी को इस बहाकर ले जाते हैं और इस मिट्टी को कहते हैं सेडिमेंट। इट इज़ देन डिपॉजिटेड ऑन द रिवर बैंक्स, फिर ये मिट्टी जो होती है वो जमा हो जाती है, डिपॉजिटेड जमा हो जाती है ऑन द रिवर बैंक्स, दरिया के किनारों पर, रिवर बैंक्स दरिया के किनारे, तो ये मिट्टी जो है वो जमा हो जाती है रिवर बैंक्स में, दरिया के किनारों में। फिर ये आप लोगों ने वर्ड्स मीनिंग भी जो हैं ये सारे के सारे राइट कर लेने हैं। उसके बाद आ जाएं पेज नंबर 59 पे आ जाएं, पेज नंबर 59।
पेज नंबर 59 पे हमने करना है आज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 करना है पेज नंबर 59 पे। देखें क्वेश्चन नंबर 3, राइट टू वेज इन विच सॉइल इज इम्पॉर्टेंट फॉर लिविंग थिंग्स। दो ऐसे तरीके बताने हैं जिसके ज़रिए से हम ये बता सकें कि मिट्टी जो है वो लिविंग थिंग्स के लिए कैसे ज़रूरी है, कैसे अहम है, कैसे इम्पॉर्टेंट है। सॉइल इज इम्पॉर्टेंट फॉर लिविंग थिंग्स, मिट्टी जिंदा चीज़ों के लिए इसलिए ज़रूरी है बिकॉज क्योंकि दे यूज़ इट एज देयर सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि वो मिट्टी को इस्तेमाल करते हैं इसलिए ताकि वो मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स ले सकें एंड प्लेस ऑफ शेल्टर और रहने की जगह ले सकें। कुछ एनिमल्स, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो मिट्टी के अंदर अपना घर बना के रहते हैं, तो वो मिट्टी को इसलिए इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यूज़ करते हैं ताकि वहाँ से न्यूट्रिएंट्स ले सकें और अपना शेल्टर ले सकें, पनाह ले सकें, वहाँ पे रह सकें। ऑल द प्लांट्स डेट वी ईट ग्रो इन सॉइल, जितने भी पौधे हम खाते हैं वो कहाँ पे ग्रो करते हैं, वो मिट्टी के अंदर ग्रो करते हैं। तो ये दो ऐसे तरीके हैं जिसके ज़रिए से हमने बता दिया कि मिट्टी हमारे लिए अहम क्यों है, जिंदा चीज़ों के लिए मिट्टी क्यों ज़रूरी है। ये क्वेश्चन आप लोगों ने लर्न भी करना है और राइट भी करना है। अब डायरी राइट कर लीजिए पेज नंबर 55, नेक्स्ट हाफ रीडिंग प्लस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3, लर्न प्लस राइट।